आइए फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखने हैं कि अपिया लुक और सीम में फर्क क्या है, क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अपिया लुक और सीम तीनों का मतलब प्रतीत होना या मालूम पड़ना या दिखना। तो फिर कैसे समझे कि कब हमको अपिया का यूज करना है, कब लुक और कब सीम। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा अपिया और लुक इन दोनों का यूज हम तब करते हैं जब हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी किसी को सीधे तौर पर देखते हैं। लेकिन जब हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं तो हम अपिया और लुक के जगह पर सीम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप मेरे सामने हैं और मैंने आपको देखकर कहा कि आप थके हुए लग रहे हैं या आप थके हुए मालूम पड़ते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हुआ तो मैं यहाँ पर अपिया या लुक का इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूंगा यू अपियर टू बी टायर्ड, या फिर मैं ये कह सकता हूँ यू लुक टायर्ड। लेकिन मान लीजिए अगर मैं आपसे फोन पर बात किया और आपके बातों से मुझे एहसास हुआ कि आप थके हुए हैं, तो यहाँ मैं कहूंगा यू सीम टू बी टायर्ड, यानी आप थके हुए लग रहे हैं। तो चाहे सीम बोलू या अपिया या लुक, मीनिंग तो सभी के एक हैं, बट हम सीम का इस्तेमाल तब करते हैं जब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ना हो, जब उस चीज को हम सीधे तौर पर ना देखते हो। फ्रेंड्स अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा जब आप किसी से व्हाट्सएप पे चैट करते हैं और सामने वाला का चैट कुछ ऐसा हो मानो कि वह गुस्सा हो, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं यू सीम टू बी एंग्री। आप ये नहीं कह सकते हैं यू अपियर टू बी एंग्री या यू लुक एंग्री। तो फ्रेंड्स ये है डिफरेंसेस। अपिया और लुक का इस्तेमाल हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए करते हैं, जबकि सीम का इस्तेमाल हम इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए करते हैं। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि इस बात को आप शानदार तरीके से समझ सकें। फ्रेंड्स मान लीजिए आपके सामने कोई एक ऐसा आदमी हो जिसका गेटअप कुछ इस तरीके से है, तो आप उस आदमी को देखकर कह सकते हैं कि तुम अमीर लगते हो या तुम अमीर दिखते हो या तुम अमीर मालूम होते हो। तो आप वहाँ पर कहेंगे यू अपियर टू बी रिच, या आप ये भी कह सकते हैं यू लुक रिच। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं यू सीम टू बी रिच। क्यों? क्योंकि सीम का इस्तेमाल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं करते हैं। अगर वो आदमी आपसे फोन पे बात कर रहा है और उसकी बातें सुनने के बाद आपको लगा कि वो बहुत अमीर है, तो इस कंडीशन में आप सीम का इस्तेमाल करेंगे, यानी जब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ना हो बल्कि इनडायरेक्ट हो, तो आप अपिया या लुक की जगह पर सीम का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर तीन एग्जांपल्स लिखा हुआ है, यू अपिया टू बी रिच, तुम अमीर मालूम पड़ते हो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में, यू लुक रिच, तुम अमीर मालूम पड़ते हो, ये भी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। बट अगर मैं बात करूँ सीम की तो मैं कहूंगा यू सीम टू बी रिच, तुम अमीर मालूम पड़ते हो। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपने ऐसा महसूस किया न कि आपने उसको सामने देखा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि अपिया लुक और सीम में आपको डिफरेंसेस समझ में आया। फ्रेंड्स अपिया लुक और सीम का इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे करना है, यानी टेंस के अकॉर्डिंग कैसे करना है, इस पर मैंने एक खास वीडियो बनाया हुआ है जो मैं आज शाम 8 बजे अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह कंसेप्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।